हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फर्स्ट का लेसन नंबर 2 नेचर पढ़ने वाले हैं। ये एक पोएट्री है। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर यानी जो हमारे आसपास हमको चीज़ें दिखती है, जो इंसान ने नहीं बनाई है, नेचुरल चीज़ें जैसे आसमान, ये नदी, ये झाड़, ये परिंदे, बादल, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? नेचुरल चीज़ें, इनको नेचर कहते हैं। कुदरती चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें, ठीक है? तो लेसन पढ़ने से पहले, जैसे हमने पहले लेसन में किया था, ये जो नीचे वर्ड्स दिए हैं, पहले इन वर्ड्स को आपको रफ बुक में 10 10 टाइम्स लिखकर इनकी स्पेलिंग भी याद करनी है और इनका मीनिंग भी याद करना है। तो फिर जब आप पोएट्री पढ़ोगे तो आपको पोएट्री समझ में आ जाएगी, समझ कर आप पढ़ पाओगे। तो पहले हम लोग ये वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है नेचर, NATURE, नेचर। MIGHT, माइट। माइट यानी शक्तिशाली, बहुत पावरफुल। STRONG, स्ट्रांग। स्ट्रांग यानी बहुत ताकतवर। BEAUTY, ब्यूटी। ब्यूटी यानी बहुत सुंदर, खूबसूरत। MOODY, मूडी। मूडी यानी जिसका मूड कभी अच्छा होता है, खराब होता है, मूड चेंज होते रहता है। SMART, स्मार्ट। स्मार्ट यानी बहुत अक्लमंद, बहुत होशियार। BLUE, ब्लू। ब्लू तो आपको मालूम है, ब्लू कलर। GREEN, ग्रीन। ये भी आपको मालूम है, ग्रीन कलर। TRUE, ट्रू। ट्रू यानी सच्चा। EVER, एवर। एवर यानी हमेशा। FREE, फ्री। फ्री यानी आजाद। तो अब ये सब वर्ड्स जब आप 10 बार लिख लोगे और इसका मीनिंग्स भी समझ लोगे तो फिर आपको ये पोएट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब ये पोएट्री समझ लेते हैं हम लोग। नेचर इज माइट यानी नेचर बहुत शक्तिशाली है। माइट हम वर्ड हम लोग ने पढ़ा है नीचे। नेचर इज स्ट्रांग यानी नेचर बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। नेचर इज ब्यूटी, नेचर बहुत खूबसूरत है ना? ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, आसमान, जमीन, नेचर बहुत खूबसूरत है। नेचर इज मूडी यानी नेचर का मूड चेंज होते रहता है, कभी हवा हल्की चलती है, कभी हवा बहुत जोरों में चलने लग जाती है, तो उसका मूड बदलते रहता है। नेचर इज स्मार्ट यानी नेचर बहुत अकलमंद है, बहुत होशियार है। नेचर इज ब्लू, नेचर ब्लू कलर की है। कहाँ ब्लू कलर की है? ये पूरा आसमान, स्काई कौन से कलर का होता है? ब्लू। नेचर इज ग्रीन, ग्रीन कलर कहाँ देखने मिलता है? ये झाड़ और ये ग्रास, ये सब ग्रीन कलर के होते हैं। नेचर इज ट्रू और नेचर सच्ची है। नेचर इज यू, नेचर तुम हो। नेचर इज मी, नेचर मैं हूं, यानी हम सब नेचर का हिस्सा है, इसी प्रकृति का हम सब हिस्सा है। नेचर विल फॉर एवर बी फ्री, नेचर हमेशा फ्री रहेगी, किसी के कब्जे में नहीं आएगी। तो ये पोएट्री हमने पढ़ ली। अब यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो जो चीजें दिख रही है इसको डिस्क्राइब करो, इसको अपने अल्फाज में कहो। तो क्या क्या यहाँ दिख रहा है? ये सूरज दिख रहा है, तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? येलो सन, येलो कलर का है ना। ये क्लाउड्स दिख रहे हैं, व्हाइट क्लाउड्स, ये व्हाइट कलर के क्लाउड्स यहाँ दिखे हैं। और ये रेनबो दिख रहा है, इंद्रधनुष, ये तो बहुत ही कलरफुल है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कलरफुल रेनबो। और ये सब झाड़ दिख रहे हैं, ये कैसे है? ग्रीन ट्रीज। और ये नदी बह रही है, तो इसको कह सकते हैं फ्लोविंग रिवर, बहने वाली नदी। और फिर क्या कहा गया है? टेल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स, ये जो पिक्चर बने हुए इनके बारे में कुछ कहो। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है? ट्री का। तो ट्री के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ट्री इज ग्रीन, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स,
है ना। तो और भी ऐसे वर्ड सोचकर, सेंटेंसेस सोचकर आप लिखिए ट्री के बारे में। दूसरा पिक्चर किसका है? फ्लावर्स। फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। फ्लावर्स गिव अस डिफरेंट स्मेल। फ्लावर्स से हमको कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। ये तीसरा क्या है? परिंदा, पक्षी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड। बर्ड के बारे में क्या लिख सकते हो आप लोग? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ती है। बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट। बर्ड्स कहाँ रहती है? बर्ड्स घोंसले में रहती है। तो आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ और लिखो। तो अब हम इस पोएट्री को एक बार पढ़ लेंगे ताकि आप इसको ऐसे ही याद कर लेना। नेचर इज माइट, नेचर इज स्ट्रॉन्ग, नेचर इज ब्यूटी, नेचर इज मूडी, नेचर इज स्मार्ट, नेचर इज ब्लू, नेचर इज ग्रीन, नेचर इज ट्रू, नेचर इज यू, नेचर इज मी, नेचर विल फॉर एवर बी फ्री। तो इस तरीके से आप इस पोएट्री को याद कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।